गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत का अगला चैप्टर जो है जीवन सूत्राणी उसका अध्ययन करेंगे। जीवन सूत्राणी यानी जीवन के सूत्र। किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद उच्चतरम चा खात, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद बहुतरम त्रिणात। यहां किंस्विद मतलब होता है क्या, ठीक है बच्चों, किंस्विद मतलब क्या, और गुरुतरम मतलब होता है अधिक भारी है। गुरुतरम मतलब अधिक भारी है, भूमे भूमि से अधिक भारी क्या है, क्वेश्चन किया है, ठीक है बच्चा। ऐसे इसमें प्रश्न किया हुआ है, तो इसमें बच्चों ये जो श्लोक है ना, ये बातचीत के रूप में है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो है युधिष्ठिर द्वारा दिए जाने पर दिए जाने का इसमें वर्णन है। तो ये सारे क्वेश्चन है और उसके बाद अगले वाले श्लोक में उसका उत्तर है। तो बच्चों हम लोग इसको इसका सबसे पहले संदर्भ देख लें कि संदर्भ क्या लिखेंगे, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के पाठ जीवन सूत्राणी से लिया गया है और इसमें प्रसंग नहीं लिखना रहता है। ये तो हम बता आपको दिए हैं कि इसमें क्या है, यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर इसमें बताए गए हैं। देखिए किंस्विद मतलब क्या, गुरुतरम मतलब अधिक भारी है, भूमे भूमि से अधिक भारी क्या है, किंस्विद उच्चतरम चा खात, खात मतलब बच्चों होता है आकाश, आकाश से उच्चतरम यानि ऊंचा जो है किंस्विद मतलब क्या है, और चा मतलब और आकाश से ऊंचा क्या है, किंस्विद शीघ्रतरम वातात, किंस्विद मतलब क्या, शीघ्रतरम शीघ्र गामी यानी कि जो तेज गमन करने वाला, ठीक है, वातात वातात मतलब वायु, वायु से भी शीघ्र गमन करने वाला किंस्विद, किंस्विद मतलब यहां क्या है, तो किंस्विद बहुतरम तृणात, तृण होता है तिनका, तिनके से भी, तृणात यानी तिनके से भी, बहुतरम मतलब कि, बहुतरम मतलब अधिक, क्षीण बनाने वाला किंस्विद, किंस्विद मतलब कौन है या क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, तो तिनके से भी अधिक दुर्बल कर देने वाला कौन है, तो आंसर यहां पे ये प्रश्न कौन किया है, यक्ष। अब उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर, माता गुरुतरा भूमे, माता क्या है, गुरुतरा मतलब भारी, माँ से भी, माँ भूमि से भी, भूमे भूमे मतलब भूमि से भी, गुरुतरा मतलब भारी है, माता भूमि भूमि से भी क्या है, भारी है, खात पितो चतरह तथा, यहां पे लिखा है खात, खात यानी आकाश, आकाश से भी पितो यानी पिता, पिता जो है आकाश से भी उच्च तरस तथा ऊंचा है, मनः शीघ्रतरम वातात, और मन से शीघ्रतरम
जो मन से भी क्या है शीघ्र गमन करने वाला है वो क्या है वायु। वायु जो है वो क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि वायु से भी शीघ्र गमन करने वाला कौन है, तो वो है मन, क्योंकि क्षण भर मन क्या हो जाता है अभी यहाँ और तुरंत क्या है दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो मन जो है वायु से भी शीघ्र गमन करने वाला है। चिंता बहुतरी तृणात्, और तृण यानी तिनका, तिनके से भी जो है बहुतरी मतलब कि तिनके से भी अधिक जो है वो क्या है चिंता। चिंता जो है मनुष्य को तिनके से भी अधिक दुर्बल कर देने वाली है। एक बार फिर से बच्चों हम आप लोगों को बता दें उसका अर्थ, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में संदर्भ के साथ। यहाँ पे पहले प्रश्न है यक्ष द्वारा, आप यहाँ यक्ष लिख लीजिएगा, वो अंडरस्टूड है, लिखा नहीं है, आप अपने से लिखिएगा कि भूमि से भी भारी क्या है, भूमि से भी भारी और आकाश से भी ऊंचा ऊंचा क्या है, भूमि से भी भारी और आकाश से भी ऊंचा क्या है। फिर है वायु, वातात, वातात मतलब वायु, वायु से भी शीघ्र गमन करने वाला और क्या है तिनके, तृणात है ना, तिनके से भी अधिक दुर्बल कर देने वाला कौन है। तो आंसर क्या मिल गया, युधिष्ठिर ने दिया है कि मां भूमि से भी गुरुतरा मतलब भारी है, भारी से यहाँ पे तात्पर्य है बच्चों सहनशील से। पृथ्वी तो सब कुछ सहन करने वाली है लेकिन उससे भी अधिक कौन है, माँ होती है जो सहनशील होती है। खात पितोच्चतरस तथा, और खात यानी आकाश, जो पिता जो है वो आकाश से भी क्या है उच्चतरस यानी ऊंचा है। मन शीघ्रतम वातात, और मन जो है वो वायु से भी, वातात मतलब वायु, वायु से भी शीघ्रतरम यानी शीघ्र गमन करने वाला है। और चिंता जो है वो तृणात यानी तिनके से भी अधिक क्या होती है दुर्बल कर देने वाली होती है। अब है बच्चों यक्ष द्वारा पूछा गया अगला प्रश्न है किस किंस्वित प्रवस्तो मित्रम किंस्विन मित्रम गृहे सतः आतुरस्य च किम मित्रम किंस्विन मित्रम मारिष्यतः। यहाँ पे है मित्रम यानी मित्र, प्रवस्तो मतलब होता है बच्चों विदेश में रहने वाले का, प्रवस्तो मतलब विदेश में रहने वाले का मित्र, किंस्वित मतलब कौन है, विदेश में रहने वाले का मित्र कौन है। किंस्विन मित्रम गृहे सतः, और गृहे सतः यानी घर में, सतः मतलब होना, जो घर में मित्रम मित्र किंस्विन यानी कौन है, घर में मित्र कौन है। आतुरस्य च किम मित्रम, और आतुरस्य, आतुरस मतलब रोगी का, च मतलब और रोगी का मित्रम मित्र किम मतलब कौन, रोगी का और रोगी का मित्र कौन। किंस्विन मित्रम मारिष्यतः, मारिष्यतः मतलब होता है मरते हुए का, जो क्या है मृत्युशैया पे है ऐसे व्यक्ति का यानी मरते हुए का।
मित्रम मित्र किंस्विन यानी कौन है, मरते हुए का मित्र कौन है। अब आंसर जो है युधिष्ठिर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सार्थ प्रवस्तो मित्रम, जो सार्थ, सार्थ मतलब बच्चों होता है धन, सार्थ मतलब धन, ये प्रवस्तो मतलब विदेश में रहने वाले का, प्रवस्तो मतलब विदेश में रहने वाले का मित्र धन है, सार्थ मतलब धन। फिर से सुनिए, विदेश में रहने वाले का मित्र धन है, भार्या मित्रम गृहे सता, और गृहे सता यानी घर में रहते हुए कि मित्र जो है भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी, घर में रहते हुए कि मित्र कौन है, भार्या यानी पत्नी है। आतुरस से भिषक मित्रम, और आतुरस यानी रोगी का, रोगी की जो है मित्र, रोगी का जो मर तुम्हारा के मित्र कौन है, भिषक, भिषक मतलब होता है दवा, रोगी की मित्र कौन है, दवा है। दानम मित्रम मारिष्यतः, और मारिष्यतः यानी मरते हुए का मित्र दान है, मरते हुए का मित्र कौन है, दानम यानी दान है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम लोग यक्ष का अगला सुनेंगे। किंस्विद एकम पदम धर्म्यम, किंस्विद एकम पदम यशः, किंस्विद एकम पदम स्वर्गेयम्, किंस्विद एकम पदम सुखम्। किंस्विद मतलब क्या, एकम पदम एकमात्र, धर्म धर्म्यम यानि धर्म, एकमात्र धर्म किंस्विद मतलब क्या है, एकमात्र धर्म क्या है, और एकमात्र यशः, यश क्या है, किंस्विद मतलब क्या। फिर है एक, एकमात्र स्वर्गीयम यानि स्वर्ग क्या है, किंस्विद एकम पदम यानी एकमात्र सुखम, सुख किंस्विद मतलब क्या है, एकमात्र सुख क्या है। आप पूरे का एक बार देख ले, एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है, एकमात्र स्वर्ग क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। तो आंसर युधिष्ठिर दे रहे हैं, देखिए, दाक्ष्यम एकम पदम, दाक्ष्यम मतलब बच्चों चतुरता होता है, दाक्ष्यम मतलब चतुरता, चतुरता एकमात्र धर्म है, एकम पदम मतलब एक मात्र, और दाक्ष्यम मतलब चतुरता, चतुरता एकमात्र धर्म है। दानम एकम पदम यशः, और एकमात्र यश दान है, दान एकमात्र यश है। फिर है एकमात्र स्वर्ग क्या है, सत्यम यानी सत्य, एकमात्र स्वर्ग सत्य है। शील एकम पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है, शील है, शील जो है, शील एकमात्र सुख है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि धान्यानाम उत्तम किंस्विद, धनानाम स्यात् किम उत्तमम, लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। यहाँ पे लिखा है धान्यानाम उत्तम यानी धान्यों में उत्तम क्या है।
अन्नों में उत्तम अन्न मतलब अनाज, ठीक है, अन्नों में उत्तम क्या है, क्या है, और धनानाम स्यात् किम उत्तम। फिर है धनानाम यानी धनों में उत्तम क्या है, लाभानाम यानी लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में, यह सुखानाम यानी सुखों में किम मतलब क्या उत्तमम उत्तम है स्यात्, ठीक है। यहां पे अब ये आंसर दे रहे हैं युधिष्ठिर कि धान्यों में उत्तम क्या है, धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम मतलब चतुरता, दाक्ष्यम मतलब चतुरता। तो धान्यों में उत्तम क्या है, चतुरता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और धनों में उत्तम श्रुतम, श्रुतम यानी वेद शास्त्र है, श्रुतम मतलब वेद शास्त्र से लिया गया है। फिर लाभानाम श्रेयम आरोग्यम यानी लाभों में आरोग्य श्रेय, श्रेय यानी श्रेष्ठ है, श्रेय मतलब श्रेष्ठ है। सुखानाम तुष्टि रुत्तमा, और सुखों में तुष्टि, तुष्टि यानी संतुष्टि या संतोष, सुखों में संतुष्टि या संतोष उत्तमा उत्तम है। अब क्वेश्चन है कि किम नो हित्वा प्रियो भवति, किम नो क्या, नो मतलब निश्चय ही, और हित्वा मतलब त्याग कर, प्रिय होता है, क्या त्याग कर मनुष्य, मनुष्य को आप ब्रैकेट में लिखेगा, क्या त्याग कर मनुष्य निश्चय ही प्रिय हो जाता है। किन नो हित्वा ना सोचति, और किन नो मतलब, नो मतलब निश्चय ही, किन मतलब क्या, क्या निश्चय ही हित्वा, हित्वा मतलब होता है त्याग कर, ना सोचति, सोचति मतलब शोक करता है, क्या छोड़कर शोक ना मतलब नहीं करता है, क्या लिखेंगे, क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। किम नो हित्वार्थवान भवति, और क्या निश्चय ही हित्वा, हित्वा यानी छोड़कर या त्याग कर अर्थवान भवति, धनवान, अर्थवान ही मतलब धनवान, भवति मतलब होता है, और किम नो और क्या निश्चय ही हित्वा सुखी भवेत, क्या छोड़कर सुखी होता है। और इसको एक बार फिर से हम इसकी अनुवाद आप लोग को बता दे रहे हैं, यक्ष जो क्वेश्चन किए हैं कि क्या छोड़कर जो मनुष्य है निश्चय ही क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है, क्या छोड़कर मनुष्य शोक नहीं करता है, और निश्चय ही क्या छोड़कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और निश्चय ही क्या छोड़कर मनुष्य सुखी होता है। तो आंसर जो है बच्चों, देखिए आगे क्या कह रहे हैं, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा ना शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसका अर्थ है बच्चों कि मानम यानी मान, मनुष्य जो है, मनुष्य मान हित्वा मतलब त्याग कर या छोड़कर प्रियो भवति, प्रिय हो जाता है, क्रोधम हित्वा और क्रोध छोड़कर या त्याग कर, ना शोचति मतलब शोक नहीं करता है, कामम हित्वार्थवान भवति, और काम, कामना यानी इच्छा, इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, अर्थवान मतलब धनवान, भवति मतलब होता है या
वो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है? सुखी भवेत, सुखी होता है। लोभ छोड़कर सुखी होता है। तो बच्चों इस चैप्टर का आप लोग अच्छे से, पूरे चैप्टर का अर्थ अनुवाद जो है अपनी फेयर कॉपी में संदर्भ सहित हर श्लोक का अनुवाद फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।